अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज मैं चावल बनाने लगी हूँ, तो मैं बताने लगी हूँ मैं कैसे बनाने लगी हूँ। मैंने एक बड़ा प्याज लिया है, एक टमाटर, लहसुन, सब्ज़ छोटी मिर्चें, सब्ज़ तीन बड़ी मिर्चें, अदरक के दो बड़े बड़े टुकड़े मैंने ले लिए। चावल मैंने 2 कप लिए थे, तकरीबन 2 घंटे हो गए मैंने इसे भिगोए हुए। और एक मैंने मुर्गी ली है, इसे धो के मैंने रख दिया है। आधा कप मैंने तेल का लिया है, वो गर्म हो गया है। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल करूँगी जो मैंने काटा हुआ था, लंबाई में मैंने प्याज काटा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब तक प्याज ब्राउन होता है तब तक मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेती। मैंने अदरक और लहसुन इसमें शामिल किए और सब्ज़ मिर्चें शामिल किए हैं। अब इसके अंदर मैं खुश्क धनिया 1.5 चम्मच शामिल करूँगी। अब इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गया। अब जो मैंने लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें का पेस्ट बनाया था वो शामिल करने लगती हूँ। लहसुन और अदरक की खुशबू आनी चाहिए। इसके अंदर मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ। अब इसके अंदर मैं मुर्गी शामिल करने लगी हूँ। मैंने एक मुर्गी ली है वो इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ। इसके अंदर मैं 1.5 चम्मच नमक शामिल करने लगी हूँ। साबुत जीरा 1 चम्मच वो शामिल किया। मैंने मोटी इलायची, लौंग और दालचीनी ये पीसे हुए थे वो इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ।
इसकी देखिए मैंने इसकी 20 से 25 मिनट इसकी बुनाई की है मुर्गी की। अब जो चीज़ मैंने मिर्चें देखी वो दरमियान से मैंने काट ली है, वो इसके अंदर शामिल करने लगी है। मुर्गी अच्छी से अंदर तक पक गई है, अब इसके अंदर मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। मैंने 2 कप चावल के लिए तो मैं इसके अंदर पानी शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह एक दो तीन 3.5 कप मैंने इसमें पानी डाले। पानी उबल गया है तो अब इसके अंदर मैं चावल शामिल करना लगी हूँ। मैंने चावल में से पानी निकाल लिया है, मैंने 2 कप चावल लिए थे। पानी को खुश्क होने देती हूँ। पानी खुश्क हो रहा है, अब इसका मैं नमक चटा लेंगे। थोड़ा कम है और शामिल करने लगी हूँ। आधी चम्मच मैंने और डाली है नमक की। इसका मैंने गैस थोड़ा कर दिया है, 10 से 15 मिनट मैंने इसे दम दे दिया। दस पंद्रह मिनट के बाद इसे खोलूंगी और चेक करूंगी ये कैसे बने हैं। और मेरे तमाम बहन भाइयों का शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया, उन सब का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया। अल्लाह ताला सब की मुश्किलें आसान करे। थैंक यू आपका जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया। जब तक मैंने चावलों को दम दिया तब तक मैं प्याज काट लेती हूँ। देख रहा था बनाना है मैंने, तो मैंने प्याज धो लिया और टमाटर भी छोटा छोटा प्याज काटूंगी।
छोटा छोटा काट लिया प्याज और टमाटर, इसके अंदर मैं एक सब्ज मिर्च वो शामिल करूंगी। सलाद भी मैंने धो के रख लिया था, वो भी छोटा छोटा काट लूंगी। नमक, थोड़ा सा इसके अंदर साबुत जीरा शामिल करूंगी। तैयार है, अब चावलों को मैं चेक करती हूँ। 15 मिनट हो गए, ये देखें कितने अच्छे चावल बने। ये देखें कितने मज़े के चावल बने, कोई चावल भी नहीं टूटा। ये देखें इतने लंबे लंबे चावल बने हैं। ये प्लेट में डाल के मैं आपको बताती हूँ। ये देखें आज की मेरी डिश तैयार है, मैंने पुलाव बनाया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।